दुनिया की सबसे बड़ी और आखिरी रेजिमेंट भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल। आज हम आपको दुनिया की इकलौती घुड़सवार सेना के बारे में बताने जा रहे हैं, 61 कैवलरी। ये नाम आपने शायद ही सुना होगा। गणतंत्र दिवस और कुछ खास मौकों पर जब भी आप भारत के राष्ट्रपति को कहीं जाते हुए देखते होंगे तो उनके साथ एक घुड़सवार सेना भी चलती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में ये घुड़सवार दस्ता राष्ट्रपति की अगुवाई करता है। 61 कैवलरी दुनिया की एकमात्र सक्रिय सेवारत हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। इसके सभी जवान न सिर्फ कुशल योद्धा होते हैं बल्कि इन्हें घुड़सवारी में महारत हासिल होती है। इस रेजिमेंट में राजपूत, कायम खानी और मराठा जवानों को उनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद शामिल किया जाता है। इस रेजिमेंट में शामिल होना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले सभी जवानों का चयन कर उन्हें 18 महीने की ट्रेनिंग देकर एक्सपर्ट राइडर बनाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान हर जवान एक खास घोड़े के साथ मिलनसार हो जाता है। पहले 2 महीने इन जवानों को घोड़ों की सार संभाल और उनकी मालिश करने दी जाती है। इससे घोड़े और जवानों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है। 61 कैवलरी में शामिल होते ही जितनी कड़ी ट्रेनिंग से जवान गुजरते हैं उतनी ही कड़ी ट्रेनिंग घोड़ों की भी होती है। रेजिमेंट में शामिल होने के लिए खास किस्म के घोड़ों का चुनाव किया जाता है। कई महीनों तक उनकी ट्रेनिंग होती है। राष्ट्रपति जब भी गणतंत्र दिवस परेड और संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए जाते हैं तो यही रेजिमेंट उनके साथ होते हैं। इस रेजिमेंट को 1 अगस्त 1953 को 6 राज्य बलों की घुड़सवार इकाइयों को मिलाकर स्थापित किया गया था। कई मौकों पर यह रेजिमेंट अपनी बहादुरी का परिचय दे चुकी है। पाकिस्तान से लेकर चाइना तक ये रेजिमेंट हर युद्ध में लड़ चुकी है। सबसे पहले 1918 में ओटोमन साम्राज्य की सेना को हाइफा में शिकस्त दी थी। रेजिमेंट के जवानों ने अब तक 12 अर्जुन पुरस्कार और 1 पद्मश्री पुरस्कार जीता है। इसे कुल 39 युद्ध सम्मान मिल चुके हैं।